कहते हैं सब दुश्मन एक जान के और बदले रंग जहान के, कभी कोरोना तो कभी कैंसर, कभी हार्ट अटैक से सडन डेथ तो कभी डेंगू मलेरिया निमोनिया का प्रकोप। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे बीमारियों के सामने आदमी खिलौना सा बनकर रह गया है। वायरस बैक्टीरिया जब चाहे तब सेहत से खिलवाड़ करने पहुंच जाते हैं। आप ठीक कह रहे हैं अमित। अब देखिए ना, पूरी दुनिया क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन की तैयारियों में जुटी हुई थी। लोग अपने अपने परिवारों के साथ छुट्टियों पर निकलने वाले थे, सारे प्लान तैयार हो गए थे, लेकिन कोरोना ने सारे प्रोग्राम पर पानी फेर दिया। पार्लियामेंट से लेकर पूरा देश एक बार फिर से अलर्ट मोड पर है। सरकार की ओर से नई गाइडलाइंस जारी किए जा रही हैं ज्योत्सना। बिल्कुल, और अब हालात ही ऐसे हैं। चीन में कोरोना बेकाबू है, जापान, इटली, अमेरिका, अर्जेंटीना में भी कोरोना फिर से फैलने लगा है। डर यह भी है कि फीफा वर्ल्ड कप में पूरी दुनिया के लोग आपस में मिले हैं और न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए एक बार फिर अलग अलग डेस्टिनेशंस पर जाने वाले हैं। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। ऐसे में कोरोना फिर कहीं पूरी दुनिया में ना फैल जाए, इसलिए तो ज्योत्सना प्रधानमंत्री ने भी इस पर पूरी जानकारी ली है। वैसे हेल्थ एक्सपर्ट ये भी मान रहे हैं कि भारत में हालात पहले जैसे नहीं होंगे, क्योंकि भारतीयों की जो हर्ड ब्रिड इम्यूनिटी होती है, जो हाइब्रिड इम्यूनिटी कहते हैं या फिर हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, उन्हें कोरोना संक्रमण से बचाएगी। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। और चीन में इसलिए हालात इतने ज्यादा बेकाबू हुए क्योंकि उन्होंने हर्ड इम्यूनिटी बनने ही नहीं थी, वो फौरन लॉकडाउन कर देते थे, सब चीजों को चोक करके रखा हुआ था। अब कोरोना की तीन लहर में देश के करीब 80-90% लोग इन्फेक्टेड हुए, मतलब ये कि नेचुरली उनमें इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है। ऊपर से 5 साल के छोटे बच्चों को अगर हम छोड़ दें तो करीब 95% आबादी वैक्सीनेटेड है। और ये अच्छी बात भी है कि हम सब में हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है, लेकिन साथ में सावधानी भी बरतना बहुत जरूरी है और इसकी शुरुआत हमें कर देनी चाहिए। और अच्छी बात होगी, लेकिन अकेले कोरोना ही जान का दुश्मन नहीं है। इस वक्त कैंसर के बढ़ते मामले भी लोगों को परेशान कर रहे हैं और सरकार की नींद भी उड़ा रहे हैं। बिल्कुल, और भारत में कैंसर बहुत तेजी से फैल रहा है। पिछले 8 साल में कैंसर के 30 करोड़ मामले सामने आए हैं। देश में हर घंटे कैंसर से 159 लोगों की जान जा रही है। हाल में यह है कि दुनिया के 20% कैंसर पेशेंट अकेले भारत में मौजूद है। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि कोरोना की वजह से साल 2020 और 2021 में सबसे ज्यादा नुकसान कैंसर पेशेंट्स को हुआ था। अपनी थेरेपीज वो प्रॉपर नहीं करवा पा रहे थे, स्क्रीनिंग के लिए समय समय पर नहीं जा पा रहे थे, ना ही प्रॉपर ट्रीटमेंट हो पा रहा था। नतीजा ये कि कोमॉर्बिडिटी के बाद सबसे ज्यादा कैंसर पेशेंट्स की जान चली गई। अब ये नौबत फिर ना आए, इसके लिए जरूरी है कि कोरोना से बचाव की बात हो। फिलहाल हम हर दिन करेंगे कि किस तरह से आप इससे बच सकते हैं, साथ में आज वो यौगिक उपाय भी आपको बताएंगे ताकि आपका शरीर कैंसर का घर ना बन सके। और हमारे साथ स्वामी जी जुड़ चुके हैं ये हमें बताने के लिए। स्वामी जी प्रणाम, स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत स्वागत स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी, अमित जी, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी। और हम रोज नई प्रेरणाओं, नए उत्साह, नए जोश, नए जुनून के साथ और नए संकल्पों के साथ नई उड़ान भरते हैं। आपने कहा कि हम कोरोना के बारे में तो बताएंगे, और ये जो हर्ड इम्यूनिटी वाली बात है, डबल वैक्सीनेशन, फिर ऊपर से बूस्टर डोज, और हमने प्रारंभ से एक बात कही है, एक तरफ वैक्सीनेशन की डोज और दूसरी तरफ योग आयुर्वेद की डोज, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, लौंग, काली मिर्च, ये छोटी छोटी चीजें जो कुदरत ने, प्रकृति ने हमें दी है, वो काढ़ा हम पिला रहे थे और वापस लोगों ने गिलोय, तुलसी, नीम का काढ़ा, हल्दी, अदरक का काढ़ा, और ये तो स्वासारी क्वाथ हमने सबको दे दिया। और मैं तो सबको कह रहा हूं, अपने फेफड़ों को स्ट्रेंथन बनाने के लिए रोज एक बार सुबह स्वासारी, और खाने के बाद जो है कोरोनिल या ब्रोनकोम, आप फेफड़ा इतना मजबूत रखो, रोज एक बार सुबह उठ करके चलो करो, सब भस्त्रिका करो मेरे साथ, यहां पूरे मैदान जंग में मैं कहता हूं, हर समय संकट है जीवन में, संघर्ष है, चुनौती है, प्रश्न है, समस्याएं मुंह बाए खड़ी हैं, घात लगाए बैठे हैं बीमारियां, रोग, विकार, और इन संघर्षों के बीच में, चुनौतियों के बीच में भी जीना है। मेरे भाई और देखो ये बैठी हुई है, अब तो ये प्रसन्न है, इसका पति रतन सिंह भी प्रसन्न है कि हमारी पत्नी बच गई, नहीं तो इसको
ब्रेस्ट कैंसर हो गया था, अब इसने ब्रेस्ट कैंसर को हरा दिया। इसके लिए हिम्मत ठाकुर का एक बार तो बहुत बहुत अभिनंदन होना चाहिए भाई। और इसके टोपा उतार, अब तो सूरज की रोशनी भी लगेगी। अब इसको पहले बालों की क्या हालत थी माइक में बताना। हाँ इंग्लिश में यू कैन स्पीक। ये हैदराबाद से, वैसे तो पहले हिमाचल के रहने वाले थे, पिता फौज में थे तो चले गए उधर। अब क्या हाल? हाँ जी, ये नवंबर में डायग्नोस हुआ था। सो यू कैन स्पीक इन इंग्लिश। सो इट वाज डायग्नोस इन नवंबर एंड 2021 एंड आई हैव गॉन टू द डॉक्टर, दे हैव डायग्नोस एंड दे हैव गिवन मी 4 chemos. After 4 chemos, I started losing my hair, eyebrows and eyelashes. I've seen Baba Ramdev on the TV, Aastha channel. Through Aastha channel, I started doing yoga, pranayam, anulom vilom, kapalbhati and bhastrika. Then I forced my husband to get me to Patanjali. He brought me here. We didn't get the admission, but we have come all the way. And then they have entered in the... फिर बाल भी कहाँ चले गए थे? बाल पूरे चले गए थे। और आईब्रोज भी? आईब्रोज और आईलैशेस भी चले गए। इन्हें देखकर लेकिन स्वामी जी ये लगता नहीं है कि इन्हें कभी इतनी गंभीर समस्या रही होगी। टचवुड, इनके बाल तो बहुत खूबसूरत है और खूब बाल है, घने भी है बहुत। वही बाल भी अच्छे हो गए इसके, जो रेडिएशन क्यूमो के बाद भी जो ब्रेस्ट का कैंसर गया नहीं था वो खत्म होने हो गया। डॉक्टर बोले थे कि ऑपरेशन कराने, ऑपरेशन नहीं कराया इसने। चलो जाओ बैठो अपने पति के पास, जोरदार अभिनंदन है इसका हिमा का। दूसरे हमारे बुजुर्ग बैठे हुए यूएसए से आए हुए अजय बाबू, उनको प्रोस्टेट का कैंसर था, उन्होंने कपालभाति किया और प्रोस्टेट कैंसर ठीक कर लिया। बाबू जी ने अपना पार्किंसन ठीक कर लिया, फैटी लीवर, ये तो रोज की कहानी है, लीवर कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, पेट का कैंसर, ब्लड कैंसर में इंस्टेंट बेनिफिट होता है सिस्टोग्रिट डायमंड खाली पेट, और वो भी गोधन अर्क के साथ देते हैं खाने के बाद, काचना और गुगुल वृद्धवादी का बटी। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। और कर्क्यूमिन गोल्ड, ये सब जो औषधियां रखी है ना वो इसी के लिए रखी हुई हमने यहाँ पर। तो ये और सुबह सुबह मैं तो कहता हूँ उनु तेल सभी डालो। मैं आजकल, मैंने पहले तो सप्ताह में एक बार डालता था, अब रोज डालना शुरू कर दिया है। और 2 गोली ऐसे ही चूस लेता हूँ, उससे गला भी एकदम फर्स्ट क्लास रहता है, ब्रोनकोम की और स्वासारी और गिलोय, ये तो गिलोय बहुत जबरदस्त है, ये कैंसर के लिए भी है। ये गिलोय जब इतनी मोटी होती है ना तो इसमें सत भी निकलता है। ये नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च में इसमें सत बहुत बढ़िया निकलता है, सफेद होता है, वो अमृत का काम करता है, सबसे बड़ा एंटी एजिंग है वो। तो इसलिए मैं कहता हूँ आंवला एलोवेरा गिलोय पी लो। देखो यहाँ आंवले के पेड़ के नीचे बैठ के कर रहे हैं, छोटा आंवला है ये, बारीक वाला एकदम देसी आंवला, सब पेड़ की ओर ही देख रहे हैं कि हमारे मुंह में ऊपर से ही तो नहीं गिर जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह, डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।